और अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के राजकोट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजकोट में हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मौके का जायजा लिया, तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। साथ ही अस्पताल में घायलों से सीएम ने मुलाकात भी की और घायलों का हालचाल जाना है, तस्वीरें आपके सामने है। देखिए जब हॉस्पिटल पहुंचे भूपेंद्र पटेल, उन्होंने लोगों से बातचीत की जो हॉस्पिटलाइज है, उन लोगों का हालचाल जाना। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है राजकोट अग्निकांड में। जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए हालचाल उनका लेते हुए तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, जिस वक्त आग लगी गेमिंग जोन में, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। और दो तस्वीरें लगातार आपके सामने हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में जांच हो रही है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। गेमिंग जोन में आग का तांडव जब दिखा, उस वक्त की तस्वीरें हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां पर क्या कुछ हुआ होगा। मौके पर बचाव दल की जब टीम पहुंची, उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी है। मौके पर मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर। अस्पताल में लोगों की भीड़ दिखाई दी और ये सब कुछ उस वक्त हुआ, वहां पर भगदड़ मची और अब पूरे मामले की जांच हो रही है। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, राजकोट अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था, यह जानकारी दी जा रही है। जनरेटर के लिए वहां पर डीजल लाया गया था, करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था और गो कार रेसिंग के लिए यह पेट्रोल लाया गया था। अवैध रूप से देखिए यहां पर यह सब कुछ हो रहा था। अग्निकांड का गुनाहगार कौन है, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है। और देखिए बिना परमिशन वहां पर गेमिंग जोन चलाया जा रहा था, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। फायर विभाग का एनओसी नहीं था गेमिंग जोन के पास, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस अग्निकांड के बाद भीड़ भाड़ वाली जगह पर गेमिंग जोन चलाया जा रहा था और ये सीधे तौर पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। एंट्री एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का एक ही रास्ता वहां पर था, जिसकी वजह से वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है। गेम जोन में जनरेटर के लिए बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर 2000 लीटर डीजल रखा गया था, पहले से स्टोर करके रखा गया था। जब वहां पर आग लगी तो ये आग इस वजह से भी ज्यादा फैली। रेसिंग कारों के लिए 1000 से लेकर 1500 लीटर पेट्रोल जमा किया गया था। 99 रुपए प्रति एंट्री ऑफर की वजह से वहां पर भारी भीड़ थी। बताया जा रहा था कि वीकेंड का समय और ऊपर से ऑफर भी था, जिस वजह से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम टीआरपी गेम जोन में आग लगी। इस आग की चपेट में कई लोगों की मृत्यु हुई तो कई लोग जख्मी हुए हैं। प्रशासन की ओर से ऑफिशियल 27 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो 32 से 33 परिवारों ने अपने कोई ना कोई सदस्य लापता होने की जानकारी पुलिस को दी है। मामले की गंभीरता देखते हुए गुजरात सरकार ने एक SIT का गठन किया और SIT को बोला गया है कि इस घटना की पूरी जांच करके 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। दूसरी तरफ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी डेड बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हुआ है, तो पुलिस प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो लोगों की डेड बॉडी मिली है और जो परिवार अपने कोई ना कोई सदस्य लापता हुए हैं, ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं, उनका DNA किया जाए और DNA मैच होने पर ये डेड बॉडी उनको दी जाए। तो पूरी रात यहाँ पर DNA के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया चली। हालांकि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी रात को 2 बजे राजकोट पहुँचे और राजकोट में उन्होंने जिस जगह पर यह हादसा हुआ, यानी कि टीआरपी मॉल की पोर्ट पे जाके उन्होंने मुलाकात की और दूसरी तरफ कलेक्टर कचहरी राजकोट में जाके अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। 10 लोगों की पुलिस ने धरपकड़ भी की है, उनमें से कई लोग ये गेम जोन के संचालक हैं। बताया ये जा रहा है कि गेम जोन के वहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके तहत ये हादसा हुआ है। तो पुलिस और SIT ये दोनों अभी इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इन बीच 10 लोगों की
गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब हादसे पर स्थानीय नागरिकों का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। शाम बदते बदते मेरे पास ऐसे न्यूज है कि राजकोट में एक गेम जोन है, वहां पर आग की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। तो सबसे पहले तो जैसे सब पेरेंट्स को होता है वैसे मैंने मेरे अपने बच्चे को खोजा, वो सही सलामत था। लेकिन मुझे ये हुआ कि भाई मेरा बच्चा तो मैंने देख लिया, किसी और का भी तो होगा। तो मुझे पता चला कि शायद 24 या 25 कैजुअलिटीज हुई है। ऐसी घटना क्यों बनी और ये ऐसा तंत्र के दिमाग में कि ये बात क्यों मिस हो गई मुझे पता नहीं चल रहा है। ये ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और पहले तो ऐसी दुर्घटना जिस वजह से हुई, वो दुर्घटना होने के जो फायर सेफ्टी का साधन वगैरह नहीं था वो नहीं होना चाहिए। फायर सेफ्टी का पूरा देखभाल होना चाहिए। ये जो दुर्घटना हुई है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अभी तक बॉडी निकालने का काम सरकारी मशीनरी वो अपना काम कर रही है, तो इसलिए अभी तो फुल एंड फाइनल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ चूक हुई। मगर ये चीज तो है कि एक चीज तो है कि कहाँ पर कुछ ज्यादा त्रुटि तो रही होगी। फायर जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो वेल्डिंग काम होता था उसमें से जो आग लगी है। अभी थोड़ी माहिती जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बोला है, कहीं पर भी उन लोगों की कुछ चूक तो हुई। और दूसरी बात यह है कि भाई अभी फिगर नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का फिगर अभी है कि भाई देखना बाकी है कि कितने कितने की कैजुअलिटी हुई है। इसलिए जो भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक, और हमारे राजकोट के अंदर आज तक ऐसा बनाव नहीं बना है, हमारा लिए तो बहुत हतभागी बात है ये। और इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट ये है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। गुजरात सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। साथ ही आपको बताएं कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, गुजरात सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले पर आपको दे रहे हैं।